अस्सलाम वालेकुम लेवल थ्री। आज हम अपने लेक्चर में करेंगे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। जैसे कि पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल क्वेश्चन थे। अब हमारी क्लास बड़ी है, अब हम थ्री क्लास में हैं, थ्री क्लास बड़ी होती है तो हमें थोड़े बड़े वालों क्वेश्चन भी करने चाहिए जो बड़े बच्चे करते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या होता है कि पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें सिर्फ जितनी वैल्यूज थी उनको वन डिजिट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर टू था, थ्री था, फोर था। अब आप देखेंगे यहाँ पर टू डिजिट्स हैं, ठीक है। अब टू डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ईजी है, सेम वैसे ही है। आप मुझे उसका टेबल पढ़ने हैं और आगे जो चेंजिंग आएंगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके जी, जैसे कि आपको बताया है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वंस के साइड से सॉल्व करते हैं। इट्स मीन ये वंस के साइड है फर्स्ट। टू एट, ये 28 लिखा है, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर देन नेक्स्ट फॉर्म को, वंस को वंस से फिर वंस को 10 से। चलें जी, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। मैं यहाँ टेबल लिख रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। 2 8 16, एज वी नो कि मल्टीप्लाई करें 16 आता है। तो अब यहाँ पे 16 हम क्या करेंगे, हम जब लिखते हैं तो वंस एक ही, आपको मैंने बताया था एक ही डिजिट लिखते हैं। अगर हमारे पास वंस है तो भी हमने एक लिखना है, अगर टेंस की जगह है ब्लॉक है तब भी हमें एक डिजिट लिखना है, अगर 100 किसी की भी है तो हमने उधर ब्लॉक में एक ही डिजिट लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास टू डिजिट है, हम क्या करते हैं हम एक लिखेंगे वो वंस की साइड से। तो वंस की साइड पे क्या आंसर है, वंस की साइड पे है 6, वो हमने 6 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब ये जो वन था वंस, दिस इज 10, एक्स्ट्रा था, उसके पास प्लेस स्पेस नहीं है। उसने क्या किया कि उसने नेक्स्ट वैल्यू को वन गिफ्ट दे दिया, ठीक है, जैसे कि पहले हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 द 4। अब इस 4 में ये वाला 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। हम यहाँ लिख देंगे 5, पहले हमारे क्वेश्चन इतने ख़त्म हो जाते थे। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट, जब हमने एक डिजिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया तो हमें नेक्स्ट के लिए क्या करना है कि नेक्स्ट जब हम नीचे जाना है तो उसके हमने यहाँ पे लगाना है क्रॉस, ठीक है। अब ये क्रॉस लगाने की वजह क्या है, क्रॉस इसलिए लगाया जाता है कि अभी मैंने आपको बोला कि वंस की साइड पर सिर्फ एक डिजिट लिखना है, तो आपका एक डिजिट जब 6 आ गया तो अब आप यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब वंस की साइड पे एक डिजिट लिखना है तो आपने उसके नीचे अगर कोई वैल्यूज़ आती जा रही हैं तो आपने उधर ब्लॉक पे क्रॉस कर देना कि हमने यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखना, 6 आ गया अब हमारे जो 6 ही आंसर आना चाहिए क्योंकि वो एक डिजिट है। अब उधर हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, ऐड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे क्रॉस लगा देते हैं कि हमने इसकी जगह नेक्स्ट को सॉल्व करना, ये हमारी वंस प्लेस वंस एक दफ़ा सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट आता है 1। अब 1 को मल्टीप्लाई, 1 को टेबल लिखने की ज़रूरत तो नहीं, 1 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 हमने लिखा यहाँ पे 8, देन 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 28 ही आ गया। अब हमने इसको करना है प्लस, ठीक है, अब हमने यहाँ पे करना है प्लस। अब 6 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं भाई। मैंने आपको बोला कि वंस के साइड पे जो एक दफ़ा डिजिट लिख दिया वही उसका आंसर होगा, उसमें चेंजिंग नहीं करते। तो 6 का 6 ही, इसको क्रॉस को समझे 0 है, 6 की जगह 6 ही आ गया प्लस करने के बाद, क्यों 6 में कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। अब 5 में 8 ऐड करें तो कितने आते हैं, 9 10 11 12 13। अब आ जाता है 13 का अगेन वही, ये वंस ये टेंस, वंस की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर और टेंस के लिए जो ये 1 बच गया वो हमने आगे दे दिया उसको गिफ्ट कि भाई आप रख लें हमारे पास जगह नहीं है। सो 2 में जो 1 प्लस करेंगे डैट इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन एक पार्ट सॉल्व। सो 28 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है 336। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है 35 को 14 से मल्टीप्लाई करना। पहला डिजिट वंस की प्लेस में क्या है 4, एज वी नो 4 5 20, तो ये 0 वंस की प्लेस में
और ये टू कैरी, कैरी भी कह दें, गिफ्ट भी दे दिया कह दें। देन नेक्स्ट है जी, फोर को मल्टीप्लाई करना है थ्री से, फोर थ्री इज़ 12। अब इस 12 में वो वाला टू जब ऐड किया जाए तो बन जाएगा 14। अब 14 देखिए, अब आगे हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने वंस की प्लेस में यहाँ लिखा 4, तो 1 जो है वो आगे नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाना चाहिए, बट यहाँ पे वर्ड ही कोई नहीं है, डिजिट ही नहीं है, वैल्यू ख़त्म है। जब ख़त्म हो जाए कोई वैल्यू ना हो, तो हम पूरी के पूरा जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि वंस हमारा एक दफ़ा सॉल्व हो गया, अब मैंने इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं क्या करूँगी, इसके नीचे लगा दूँगी क्रॉस। नेक्स्ट, ये 1 का टेबल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, 5 1 5, 3 1 3। अब इसको हम करेंगे ऐड, 0 में कुछ भी ऐड ना करें 0, 5 में 4 ऐड करें 9, 3 में 1 ऐड करें 4। इट्स मीन 35 को जब 14 से मल्टीप्लाई करें तो 490 आ जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42 मल्टीप्लाई 15। अब 5 से फर्स्ट वंस की प्लेस पे है 5 एंड 2, सो मल्टीप्लाई करें 10। अगेन 10 का ये जो 0 है ये आ गया यहाँ पर, और वंस की प्लेस के बाद जो वर्ड है वो नेक्स्ट पे चला गया कैरी, या उसको हमने गिफ्ट दे दिया। अब 5 का टेबल पढ़ना है 4 तक, डेट इज़ 20। अब इस 20 में वो जो गिफ्ट मिला है वो भी तो ऐड करना है ना, डेट इज़ 21। अब इस 21 को हम, अब 2 जाना चाहिए नेक्स्ट पे, गिफ्ट दे देना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई आगे डिजिट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 21 कंप्लीट लिखते हैं। ठीक, अभी जैसे मैंने हमको बताया कि 1 से एक दफ़ा लिख दिया, फिर उसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, तो इधर क्या लगा दिया, क्रॉस। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 1 का टेबल, या टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो हमें सबको आता है 2 1 2, 4 1 4। अब इसे हम करेंगे प्लस, 0 में कुछ भी ऐड ना करें 0, 2 में 1 ऐड करें 3, 4 में 2 ऐड करें 6, मीन 630। आपने 42 को जो मल्टीप्लाई 15 से आंसर किया आ गया 630। अच्छा, ये अब हमने पेज नंबर 80 पे मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। आपने क्या करना है, आपकी बुक के पेज नंबर में होम असेसमेंट टास्क यहाँ लिख देती हूँ, आपके बुक के पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 11, ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है।